बॉलीवुड से एक बेहद बुरी खबर सामने आई है। जाने माने एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का बुधवार रात दिल्ली के पास गुरुग्राम में निधन हो गया। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। उनके करीबी दोस्त अनुपम खेर ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि 45 साल की दोस्ती पर आज पूर्ण विराम लग गया है। सतीश के बिना जिंदगी फिर कभी पहले की तरह नहीं रहेगी। सतीश कौशिक किसी काम से यहां आए हुए थे और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में शव के पोस्टमार्टम के बाद शाम तक पार्थिव शरीर के मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। अनुपम खेर ने बताया कि सतीश कौशिक किसी से मिलने के लिए गुड़गांव में एक फार्म हाउस गए हुए थे। फार्म हाउस से लौटते वक्त कार में सतीश कौशिक को आया हार्ट अटैक और फिर उन्हें गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। सतीश कौशिक के पार्थिव शरीर फिलहाल गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में रखा गया है। अब वहां से निकलकर उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद आज दोपहर में उनका पार्थिव शरीर उनके मुंबई स्थित आवास पर लाया जाएगा और फिर यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल हम भी सतीश कौशिक को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं।